अतीक अहमद के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी अशरफ की, ये सूत्र बता रहे हैं। सुरक्षा कारणों से ऐसा फैसला लिया गया है। बता दें कि बरेली से लेकर प्रयागराज का जो रास्ता है वो 8 घंटे का है, और पहले ये खबर मिली थी कि प्रयागराज अशरफ को लाएगी पुलिस, और इसीलिए बरेली पहुंची है टीम। उमेश पाल मर्डर केस में आज पेशी होनी है, और अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की जाएगी। सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, सुरक्षा कारणों से जो फैसला किया गया है वो ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी होगी। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये जानकारी मिल रही है। अतीक के भाई अशरफ को लेकर फिलहाल प्रयागराज टीम नहीं आ रही है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने अशरफ को रिमांड पर लेने की मांग की है। रिमांड मिलने पर अशरफ को प्रयागराज लाया जाएगा, उमेश पाल हत्याकांड में सवाल जवाब किया जाएगा। पुलिस इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, कई मामलों में पूछताछ की जाएगी। अशरफ के पास कई अहम सुराग है, कई लोगों का राजदार है अशरफ, और शार्प शूटर्स को लेकर भी उसे पूछताछ की जा सकती है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ा हुआ जो भी सवालों का पुलिस के पास पूरी फेहरिस्त है वो पूछी जाएगी, और अशरफ की फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन पुलिस उसे रिमांड पर लेने की मांग करेगी आज, क्योंकि कोर्ट में पेशी हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसमें पुलिस कस्टडी मांगेगी और उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड में कई लोग अभी भी गायब है, फरार है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इधर अशरफ के परिवार को उसकी जान का खतरा सता रहा है, और अशरफ की पत्नी और बहन बरेली जेल पहुंच गई हैं। परिजनों ने अशरफ की जान को खतरा बताया। अशरफ पर दर्ज मुकदमों को उन्होंने राजनीतिक मुकदमे बताया है। अशरफ के परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो परिजनों को ये खतरा सता रहा है कि जब प्रयागराज उसे लाया जाएगा, क्योंकि बरेली टीम पहुंची हुई है, पुलिस की पूरी कोशिश है कि उसे प्रयागराज जेल लाया जाए, रास्ते में ही उसका एनकाउंटर हो सकता है, इस बात का खतरा परिजनों को है। हमको जानकारी ये मिली है कि अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। इनके साथ जाने के लिए आए हम लोग, अपने पति के साथ। मिट्टी में तो मिल ही गया है, घर गिर गया और सब पूरी फैमिली इधर उधर हो गई है, वो तो पहले ही मिट्टी में मिल चुका है सब। सीबीआई की मांग करना चाहते हम लोग। किसी अधिकारी ने बयान दिया था कि तुमको निकाल के 2 हफ्ते में टपका देंगे, तो उसी बयान को सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। मैं जो विधायक जी को ले जा रहे हैं, तो विधायक जी का मंडे को ले आए थे, इसी वीक में मंडे को ले आए थे। वो एक फैसला सुनाना था हत्याकांड के मामले में, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो अब फ्राइडे सैटरडे को फिर उनको फ्राइडे को ये सूचना मिली कि फिर उनको ला रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि उनकी वीडियोग्राफी की जाए। जी उसी बयान उसी बयान से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है सर। ये लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात है, ये लोकतंत्र की हत्या है, संवैधानिक गैर संवैधानिक बात है सर। ये उनको इतनी बड़ी धमकी दी गई, और इतने बड़े अधिकारी के लिए ये शोभा नहीं देता। इतनी बड़ी अधिकारी ने इतनी बड़ी उनको धमकी दिया है, एक विधायक, भूतपूर्व विधायक को। तो इधर अशरफ की पत्नी को खौफ सता रहा है, तो वहीं अशरफ के वकील का बड़ा बयान भी सामने आया। अशरफ के वकील ने उसे फंसाने का आरोप लगाया, कहा कि जेल से साजिश रची जा रही है। यह आरोप उन्होंने खारिज किया है कि जेल से साजिश रचने का जो आरोप था वो गलत है। अशरफ के वकील का यह बड़ा बयान सामने आया, और अशरफ के वकील ने अशरफ को फंसाए जाने का आरोप लगाया है, जेल से साजिश रचने के आरोप को भी गलत बताया, उसे खारिज किया है। माननीय जो है पूर्व विधायक अशरफ जी की जो है पेशी के लिए इलाहाबाद ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन प्रयागराज पुलिस आई हुई है, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको ले जाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। भाई जैसे कि पूर्व में इससे पहले जब पूर्व विधायक अशरफ जी को इलाहाबाद पुलिस ले गई थी उमेश पाल अपहरण कांड जजमेंट में, तो उसमें एक पुलिस अधिकारी द्वारा यह बयान दिया गया था कि तुमको दोबारा बरेली जेल से निकाल के तुम्हारे 2 हफ्ते में काम तमाम कर दिया जाएगा। उस बयान के तहत सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनका परिवार भी इसी वजह से यहाँ पे आया हुआ है।
क्योंकि जिस मुकदमे में बरी किया गया वो उमेश पाल अपहरण कांड था। जिस समय अपहरण हुआ था उस समय भी पूर्व विधायक अशरफ जेल में थे, इसलिए उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा ही नहीं था, ना ही कोई चार्ज बना था, इसलिए उसमें दोष मुक्त हो चुके थे। आज जो उनको ले जाने के लिए प्रयागराज पुलिस आई हुई है वो उमेश पाल हत्याकांड संबंधित मामला है। इनके ऊपर साजिश रचने का जो है अपराध लगाया गया है, तो इसीलिए जो है प्रयागराज पुलिस आई ले जाने के लिए। तो अशरफ को खौफ सता रहा है, गाड़ी ना पलट जाए यही डर उसके परिजनों के मन में भी बैठा हुआ है और इसीलिए परिजन बरेली जेल पहुंच गए हैं। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। वहीं अशरफ के वकील का कहना है कि जो भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं। वहीं अतीक अहमद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं क्योंकि फिर से साबरमती जाएगी प्रयागराज पुलिस। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक से पूछताछ करने के लिए अहमदाबाद जाएगी पुलिस। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रंगदारी मामले में अदालत से अतीक की रिमांड मिल गई है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। सीजेएम कोर्ट ने अतीक से पूछताछ की इजाजत दे दी है। 2021 में दर्ज हुआ था रंगदारी वसूली का मामला और इसी केस में इस प्रयागराज फिर से अतीक अहमद को लाया जाएगा। रंगदारी केस में अतीक का बेटा अली गिरफ्तार भी हुआ था, ये भी सूत्र बता रहे हैं। अतीक से पूछताछ दोबारा की जाएगी, अहमदाबाद जाएगी यूपी पुलिस और फिर से उसे प्रयागराज जेल लाया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे। यानी अतीक अहमद को एक बार फिर से शॉक लगने वाला है। अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी नहीं हुआ होगा क्योंकि इससे पहले जब उसे साबरमती से प्रयागराज लाया गया तब उसकी सांसें अटकी हुई थी, रास्ते भर वो परेशान रहा और खौफ में रहा। एक बार फिर से उसे प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है।